हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कौन कौन से नंबर डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने एक डेबिट कार्ड रखा हुआ है। तो हम आपको पहले बता देते कि चार चीज़ें, ठीक है दोस्तों चार चीज़ें यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। पहली चीज़ आप देख सकते हैं, ये कार्ड नंबर होता है, तो यह 16 अंकों का नंबर होता है। यह कोई सा भी आप डेबिट कार्ड ले लीजिए जिसमें यह 16 अंकों का यह कार्ड नंबर होता है। तो यह दोस्तों आपको कार्ड नंबर डालना अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। पहला ये है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे शायद, यहाँ एक वैलिड डेट है और दोस्तों यहाँ एक्सपायरी डेट है। तो जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक्सपायरी डेट हमको डालना पड़ता है, ठीक है। दूसरा ये है। और तीसरा दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर यहाँ 3 अंकों का नंबर दिया होता है, इसको बोलते हैं CVV नंबर। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। तो यह नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये तीसरा ऑप्शन हुआ। और दोस्तों चौथा ऑप्शन, जब ये आप पूरा डिटेल डाल लेते हो, ये आपने कार्ड नंबर डाल लिया, एक्सपायरी डेट आपने डाल ली और उसके बाद CVV नंबर आपने डाल लिया, उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो उसमें एक OTP आता है। OTP को दोस्तों बोलते हैं हम वन टाइम पासवर्ड। तो वह 6 अंकों का रहता है, वह पासवर्ड हमको डालना पड़ता है जब दोस्तों हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर पाते हैं। तो दोस्तों चार चीज़ें हमने आपको बताई हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी भी दोस्तों डेबिट कार्ड में, चाहे वह वीजा का हो या रुपी का हो या मास्टर कार्ड का हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।